आजकल ये सुनने में आ रहा है कि हमास ने इसराइल पर हमला किया है। हमास ने इसराइल में घुसकर कई इसराइलीज को बंदी भी बनाया। इसराइल पालिस्तान का एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट बना है, यानी जो हमेशा के लिए शुरू ही रहता है। कुछ सोर्सेस के अनुसार पुराने दिनों में बेबीलोनिया और जोडा किंगडम्स के बीच वॉर हुआ था, जहां जोडा एक ज्यूइश यानी यूदों का स्टेट था जो प्रेजेंट इसराइल है। इस वॉर में बेबीलोनिया जीतने से जोडा से ज्यूइश पीपल को भगा दिया, जिसको बेबीलोनियन एग्जाइल या बेबीलोनियन कैप्टिविटी कहते हैं। ज्यूइश पीपल जोडा को खाली कर दुनिया के कई प्लेसेस में चले गए और मैक्सिमम पीपल यूरोप में सेटल हो गए। उन दिनों में प्रेजेंट इसराइल को ऑटोमन एम्पायर ने कंट्रोल करना शुरू किया, जिससे वहां अरब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। अरब्स ने एंटी सेमिटिज्म यानी ज्यूज को अपोज करने वाले रूल्स फ्रेम करने से दुनिया भर के ज्यूज को डिस्क्रिमिनेशन जैसे कई प्रॉब्लम्स फेस करना शुरू हुआ और कई को मार डाला, जिसके कारण बचे ज्यूज फिर वापस अपने होली लैंड प्रेजेंट के इसराइल में आना शुरू किया। 1915 तक इसराइल में 60,000 ज्यूज थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन एम्पायर जर्मनी और एमएन हारने के बाद 1917 में यूके ने बाल्फोर डिक्लेरेशन पेश किया, जिसके अनुसार पैलेस्टाइन एरिया में ज्यूइश पीपल को नेशनल होम देना चाहिए। लेकिन उसके बाद एंटी सेमिटिज्म ज़्यादा होकर अरब्स ने ज्यूस पीपल को नीचे देखना और मारना शुरू ही रखा, ताकि ज्यूस का अंत हो जाए। इस बीच हिटलर ने भी एंटी सेमिटिज्म को सपोर्ट करने से 1936 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ज्यूस और अरब्स का डिस्प्यूट का रीजन और सॉल्यूशन निकालने के लिए पील कमीशन को नियमित किया, जिस कमीशन ने पैलेस्टाइन एरिया में एक अरब स्टेट और एक ज्यूइश स्टेट एस्टैब्लिश होने का सपोर्ट दिया, जिस रिपोर्ट का अरब्स ने खंडन किया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय तक वर्ल्ड में 18 मिलियन ज्यूज थे, जिसमें 6 मिलियन यानी 1/3 ज्यूज को मार दिया गया। ये देखकर यूएन ने 1947 में रिपोर्ट दिया कि पैलेस्टाइन एरिया में ज्यूइश और अरब दोनों स्टेट्स रहेगा और जेरूसलेम बेथलहम यूएन के कंट्रोल में रहेगा, जिस रिपोर्ट का ज्यूज और अरब्स दोनों ने खंडन करने से 1948 में फर्स्ट अरब इजराइल वॉर हुआ, जिसमें सभी अरब कंट्रीज यानी इजिप्ट, जोर्डन, इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, सऊदी अरेबिया ने इजराइल से वॉर किया और इजराइल की जीत हुई और पैलेस्टाइन को ऑक्यूपाई किया। तब से ये डिस्प्यूट शुरू हुआ। 1948 में इसराइल फॉर्म होने के बाद पैलेस्टाइन्स को वहां जगह नहीं रही। फिर 1956 में स्वेज कैनल क्राइसिस के दौरान सेकेंड अरब इसराइल वॉर हुआ था। उस समय इसराइल, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर इजिप्ट पर हमला कर फिर विथड्रॉ भी हो गए। 1967 में इसराइल और इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन के बीच थर्ड अरब इसराइल वॉर या सिक्स डे वॉर हुआ, जिसमें इसराइल ने इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप्स, सिनाल पेनिनसुला, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, सीरिया से गोलान हाइट्स को ऑक्यूपाई किया। फिर इजिप्ट, सीरिया और इसराइल के बीच 1973 में याम किप्पर वॉर हुआ, जिसमें इजिप्ट, सीरिया को सोवियत रशिया ने सपोर्ट किया और यूएस ने इसराइल को सपोर्ट करने से सऊदी अरब कंट्रीज ने ऑयल एम्बार्गो रखा, यानी यूएस को ऑयल सप्लाई रोक दिया। फिर 1978 में यूएस के गिम्मी कार्टर के नेतृत्व में इजिप्ट, इसराइल के बीच कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ, जिसके अनुसार 1979 में पहली बार इसराइल इजिप्ट के बीच पीस ट्रीटी हुआ और अरब कंट्रीज से फर्स्ट टाइम पीसफुली इसराइल को कंट्री का रिकॉग्निशन मिला। इसके कारण इसराइल ने इजिप्ट को सिनाल पेनिनसुला वापस किया। फिर 1993 में इसराइल और पीएलओ, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच ऑस्लो अकॉर्ड हुआ, जिसके अनुसार पीएलओ कंट्रोल में रहने वाले वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप्स में लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ रूल कर सकते हैं। फिर 2000 में कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ, जिसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। फिलहाल ट्रेंड्स के अनुसार इसराइल पैलेस्टाइन टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर पैलेस्टाइन को पूरी तरह से निर्मूलन करने की कोशिश कर रहा है। उस समय नेतन्याहू ने एग्रेसिव पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किया। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गोलान हाइट्स इसराइल का हिस्सा है, जो इसराइल ने सीरिया से ऑक्यूपाई किया था, और अमेरिकन एम्बेसी जेरूसलम में एस्टैब्लिश कर कहा कि इसराइल का कैपिटल टेल अवीव नहीं और जेरूसलम है।
इसराइल को UNHRC और यूनेस्को सपोर्ट नहीं करने से US उससे बाहर भी आ गया। रिसेंटली अरब कंट्रीज यानी बहरेन, UAE, मोरक्को, सूडान और इसराइल के बीच अब्राहम अकॉर्ड हुआ। धीरे धीरे जैसा बिजनेस इश्यू फ्रेंडशिप शुरू हुई, फिर हमास ने अब इसराइल पर अटैक करना शुरू किया। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.